शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं अपनी आवाम का। मैं क्यों पंगे करती हूँ यार? जब मैं नहा के आऊंगी ना फिर देखो, फिर देखो पूरी पूरी गंजी हो जाऊंगी। आप पागल हो? हिंदुस्तान लोगों को बहुत गंदे लगे। देख राघव मेरे बाल देखने आया, इधर मुड़ो ना। नहीं अच्छे तो मैंने राजू को बोला कि सोई रहे और मैं तेरा लाइव स्केच बनाऊंगी। तो ये देखें, मतलब पूरा मैच कर रहा है राजू के। फिर बहुत अच्छा बनाया होगा। यार तूने बहुत गंदा बनाया होगा। अगर राजू कहती एक फीचर भी मैच कर गया तो देखो 10 out of 10 दूंगी। मैं 100 वाला था। अच्छा ठीक है। टना हाँ यार अच्छा तो बनाया। मेरे मुंह इधर पता लग रहा है क्या? साइड से पता लग रहा है। तो एंगल दिखा देती हूँ किस एंगल से बनाया मैंने। इस एंगल से बनाया तो इसमें तो पतला लग रहा है, बहुत बम लग रही है। वहां दिखा रहा मैं मैच करूंगी। तो अब मैंने थोड़ा फ्री हैंड स्केच बनाया, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं की है। पहले बहुत मेहनत की थी। देखने जाएंगे। वो यार 100% मैच हो रहा। दिखा मुझे। ओए हाथ देखो गाइस। नहीं अच्छा बनाया, अच्छा बनाया। नाक के नॉस्ट्रिल सामने क्यों बनाए? सामने दिख रहे थे। अब इसने पलके बनाई है। शाबाश। बहुत अच्छे। आईब्रोज की शेप भी बिल्कुल सही बनाई है। ओठ भी मोटे बनाए बिल्कुल। शाबाश। तो हमने एक नया लड्डू खरीदा है जिसको हम खा नहीं सकते, बस देख सकते हैं, निहार सकते हैं। ये देखिए लड्डू। आप लड्डू हो या रसमलाई? ये अपना पिछवाड़ा सूंघता रहता है ऑल टाइम। और कोई काम नहीं है? सूंघने देना यार, खुशबू आती है। नशा है, नशा सस्ता। ओके करो सस्ते नशे। राजू और मैंने कहीं जाना है और मैं उठ के तैयार भी हो चुकी हूँ और ये अभी तक लेटी हुई है। और मुझे बताएं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? कुछ ज्यादा रेड लग रहे हैं, पता है? मतलब वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा पर रियलिटी में ज्यादा रेड लग रहे हैं। तो जब अगर मैं सोबर कपड़े पहनती हूँ तो फिर थोड़ा यानी ऑफ सा हो जाता है, इसलिए मेरे को थोड़ा कुछ ऐसा पहनना पड़ेगा कि जो थोड़ा मतलब जाए इसके साथ। नमस्ते, आज मुझे नोबेल प्राइज मिला है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ। मतलब मैं नहीं मानती पर सरकार मोदी जी मुझे एक अच्छा इंसान मानते हैं। तो शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं अपनी आवाम का, शुक्रिया करना चाहती हूँ मैं उन लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे मेरे जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री, मुझे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी हो गया है, सॉरी, मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया मोदी जी के बाद। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कभी सोचा नहीं था कि एक ब्लॉगर भी प्रधानमंत्री के पद में आ सकता है, पर हाँ मैं देश को सुधारूंगी और एक अच्छे राह में चलाऊंगी जैसे मोदी जी ने हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं कोशिश करूंगी कि उनके बराबर तो नहीं पहुंच सकती पर मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट करूंगी। दिन में सिर्फ 3 घंटे सोऊंगी और बाकी पूरा टाइम में मस्ती कूदी करूंगी, अपने देश की सेवा करूंगी। और मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने चोमू का, अगर चोमू ना होता तो आज मैं इधर नहीं होती, और अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का, और जो मेरे 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का, उन सब ने मुझे वोट दिया और मैं प्रधानमंत्री बन चुकी हूँ। और जगह जगह इंडिया के कोने कोने में जैसे मोदी जी ने टॉयलेट शौचालय की सुविधा रखी है, वैसे मैं कोने कोने में देश की चाय की टपरी की योजना चालू करूंगी। हर आधे किलोमीटर बाद आपको चाय का एक ठेला मिलेगा और चाय पीने को मिलेगी 5 रुपए पर कप। जी हाँ, ये सुविधा आपको पूरे भारत में मिलेगी और मैं वादा करती हूँ कि अगले 1 साल के अंदर अंदर ये योजना पूरी हो जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगर आप खाना खा रही हो तो आगे वाला 1-2 मिनट स्किप कर दो प्लीज यार, बाद में गाली मत देना। सीधी को चिड़िया मिली है, मतलब चिड़िया का मरा हुआ बच्चा मिला। इसका मुंह खोलो। अरे अरे हाय, अब देखते हैं इसकी स्टमक, देखते हैं इसका, ठीक है? क्या आपको मन तो नहीं खराब हो रहा? नहीं नहीं, आज के फेफड़े खाना खा रहे हैं सब। आज का फेफड़ा देखते हैं। अरे टॉन्सिल्स हुए बेचारी को। वो रही नहीं बेचारी। राम क्या हो गया मेरे साथ? मैं इसका अंतिम संस्कार करते हैं। खोदने के लिए नहीं है कुछ, हाथ है ना दो। नहीं ना, वहाँ पे वो है ना अर्थवर्म। अर्थवर्म है तो ये बहुत अच्छी चीज पकड़ी हुई है। रब्बा ये क्या हो गया? आगोर में कहीं गए थे और बारिश हो गई है, हम भी वेट कर रहे हैं, बकरियां भी वेट कर रही हैं। अरे बकरियां बेचारी दुकान में जाने की कोशिश कर रही हैं। अरे जाने दो ना भैया, बारिश हो रही है, मर जाएंगे ठंड से। अरे राम इसे ठंड में देखना भगा रहे हमको यार, क्या जमाना आ गया यार, क्या जमाना आ गया। ओहो हाय, वो देख छोटा सा बेबी यार बेचारा है। अंकल मार के आप, तेरे को मारू आगे मैं कुत्ता। तो अभी हम एक दुकान के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि बारिश थोड़ी सी कम हो और हम निकले घर के लिए।
ये है हाल, घर का बेटा 2 बजे उठा है, कोई शर्म है? गाइस अभी हम डिस्प्रेशन में हैं, अभी हमको आप कुछ मत बोलिए। यार मैं छपरी लग रही हूँ यार इन बालों में, पता लग गया आपको? किसने बताया? यार देखो अभी रात को ठीक लगता है लेकिन दिन को ऐसे चटाक लाल लगते हैं, तो मैं ये काला रंग लेके आई हूँ, बिल्कुल काला, ठीक है? तो यही कर देते हैं माए, खत्म करते हैं कहानी। और कल मेरे को जम्मू जाना है और अभी ये कलर ट्राई करने लगी, अगर मैं पूतनी लगी ना फिर मैं जाती ही नहीं जम्मू। इससे ज्यादा पूतनी आप नहीं लग सकते। पक्का? हाँ। इससे कम लगोगे? इससे कम ही लगोगे। चलो वन मोर हेयर कलर वीडियो, रेड टू ब्लैक, ब्लैक टू रेड। करने लगी यार वापस काले, बहुत गंदे लग रहे हैं। पर अगर काले करके भी गंदे लगे फिर, मतलब ठीक लग रहे हैं पर दिन को गंदे लगते हैं। ये हो जाएगा पूरे बालों में? होना पड़ेगा यार, नेचुरल लो, नेचुरल बहुत अच्छा लगता है इंसान। नेचुरल चीजें सबसे अच्छी लगती है। परना देवाल इज द मोस्ट अननेचुरल यूट्यूबर राइट नाउ इन इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री। यार अच्छा तो लग रहा है वसु, देख बहुत गुस्सा आ रहा है वसु, मैं क्या क्या करती रहती हूँ यार, तेरे को मेरे पे गुस्सा नहीं आता मेरी जैसी बहन पे? क्यों? देख ले मेरी टॉप नहीं है, ये गंदी नहीं होनी चाहिए। उतारो टॉप, चेंज करो, दूसरी पुरानी लगाओ। शुरू करते हैं नया कार्यक्रम। कैंची है अपर्णा देवल नहीं होना चाहिए आपके चैनल का, पता क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंट्स और अपर्णा देवल। यार कैंची लाना वसु, यार मैं कैंची ढूंढू लाऊ? आप एक काम करो ना मेरे को, ये ले। आलसी है क्या? चले गए कैंची। आलसी आप हो, ठीक है जाओ खुद कैंची लेकर आओ। आलसी हो क्या? जाओ कैंची लेके आओ, तेरे से बड़ी हूं ना मैं। बड़ी क्या होता है, बड़ी छोटी क्या होता है, बड़े लोग ज्यादा एक्टिव होने चाहिए। जाओ जिम गई थी ना, वर्कआउट किया ना तुमने? तो मैंने भी 10 घंटा सुबह से एडिटिंग किया ना, चुमको भी मेरे पे एहसान नहीं किया तुमने अगर एडिटिंग की? मेरे पे एहसान नहीं किया। चल दफा दबा नहीं रहा मेरे से, आप भी दबा नहीं रहा मेरे से। बड़ी बदतमीज होगी, इसको ना नीचे लगाना पड़ेगा। ठहर तू यार, क्या करूं यार, क्या करूं, क्या करूं यार, क्या करूं, मैं क्यों पंगे करती हूं यार। हाय अगर काले करके वसु और बांधने लगी मैं फिर पागल। भाई ये कितनी बदतमीज है। दैट्स व्हाट वी शुड डू राइट नाउ, यू नो। ये देख ना ग्रीन, मत ग्रीन बाल हो जाए। एक बार मेरा ट्रिप था कॉलेज का, तो उसके 2 दिन पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बालों पे कर दिया कलर, कौन सा? गोल्डन। और मैं धोना भूल गई, और आधे घंटे बाद मेरे को याद आया और मैंने धोया, और मैं बिल्कुल जैसे वो लड़के होते ना जो थोड़े मतलब ऐसे आगे से बिल्कुल गोल्डन से बाल करते अजीब से लगते हैं, वैसे लग रही थी। हाय शुक्र है मेरे पास अगला दिन था। अगले दिन मैंने टोप, मैं को इतनी शर्म आ रही थी, मैंने टोपी पहन के रखी, टोपी नहीं उतारी मैंने। फिर अगले दिन मैंने काला रंग लाके फिर उस पर किया, फिर वो कम्प्लीटली बाल काले नहीं हुए क्योंकि कुछ ज्यादा ही गोल्डन गोल्डन हो गए थे। तो फिर एवोकाडो याद आ गया, खा लूं? नहीं नहीं नहीं, अगर ये आप कर देते ना सच में, मैं फिर बोल देती मेरी बहन नहीं। तो वैसे भी मेरी बहन नहीं है दीदी, ब्लैक कलर तो इसमें है ही नहीं एक में। हाय ब्लैक कलर तो है ही नहीं यार, ये तो कुछ ग्रीन ही लग रहा है। मतलब बस इतने बालों में मेरे को कैसे कवर अप करूंगी वसु? ग्रीन का मतलब ब्लैक होता है, ग्रीन का मतलब ब्लैक होता है। अरे मतलब आपने ब्लैक कलर, लेट्स डू इट गाइस। कलर कैसे बनेगा मेरी जान? बन जाएगा भाई, एक्सपर्ट हूं मैं बड़ी। पढ़ो उसके ऊपर क्या लिखा है। ग्रीन तो मैं ले रहा हूं, ग्रीन कलर है ये। जस्ट किडिंग। रिच क्रीम लॉन्ग लास्टिंग कलर, ग्रे कवरेज, अल्ट्रा सॉफ्ट डीप शाइन, नो अमोनिया। कलर का नाम ही नहीं लिखा, मिनी पैक नेचुरल ब्लैक। ठीक है ये ब्लैक कैसे हो सकता है? हो जाएगा अभी ये इसका वो, अभी वो दोनों कट्ठे किए ना हमने, अब वो केमिकल रिएक्शन होगा फिर वो हो जाएगा, समझी? आई डोंट थिंक सो। तू देखना पूरा डब्बा काला हो जाएगा, पता है मेरे को यही। भाई मैं प्रोफेशनल वसु, तो क्या मेरे आगे दुकान लड़ा रही है यार? इतना कलर कहाँ वसु, ये वो पिछले वाला इसका ट्रिपल था वसु, ये तो एक मर्द की दाढ़ी में भी ना लगे। 20 रुपए का यार, और ले आता ना राघव। अब राघव भैया को बोला था तो फिर वो सस्ते सस्ते में काम निपटाएंगे ना। वसु बिल्कुल बचत खर्चा करना, ठीक है? पर हमारे पास तो वो ही नहीं, इसमें तो वो ग्लव्स भी नहीं है यार, इन्होंने तो कुछ ज्यादा ही भिखारी बना दिया। 20 रुपए के पैकेट में क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शुक्र करो कुछ दिए उन्होंने अंदर। भी सोचो बीच में रेड है, आधे आधे ब्लैक आधे ग्रीन है। वसु राघव क्या पागल है यार, ये 2 लेके आया मेरे बाल, देख वसु कितनी डेंसिटी है। एक काम कर, जा दौड़ के जा बाजार से 2 पैकेट लेके आ भाई। वसु ये पूरा नहीं होगा, वसु बंदरी लगूंगी, आधे लाल आधे काले बाल। वसु प्लीज सब तक मैं आगे करती हूँ, प्लीज ले वसु को मेरी बहन, वसु मेरी दुकान बंद हो जाएगी। एक शर्त जो शर्त बोलेगी सब मानूंगी, चले कोको वॉइस में बोलो। वैसे दीदी लेके आओ ना प्लीज, ये चुप के आवाज क्यों बोल रहे हो? प्रॉपर कोको वॉइस चाहिए वसु, प्लीज वसु यार दुकान बंद हो जाएगी, तुम्हें को नर्वस कर रही है यार, जाना यार। कोको वॉइस, वैसे दीदी कलर लेके आओ ना, मजाक लग रहा है। इधर मेरे बाल आधे काले तो आधे चिट्टे तो आधे पीले, लड्डू पीला कलर आज हम कर रहे हैं, लड्डू पीला कलर। कोई मेरे को कमेंट भी करता नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? उससे मेरे दांत लग रहे पीले, चटाक पीले। तो यार ये दांतों का कलर कौन सा है? मेरे बोला लड्डू पीला। एक बार करो वैसे।
मुझसे जल्दी जाना है। ठीक है भाई जा रही हूँ। क्या बोलूँ क्या अंकल को, क्या दो? दो काले गार्नियर के पैकेट दे दो। चार ले आती हूँ। पैसे तो दो। पैसा नहीं है मेरे पास। पैसे बोल उसको, तेरी मेरी बहन जो है ना दे देगी ऑनलाइन बाद में। अभी तू दे सामान दे। कौन से शॉपकीपर के पास जाऊँ यार? ना रिचार्ज है ना मैं ऑनलाइन पेमेंट आपसे करवा सकती हूँ। कैश तुम्हें कैश नहीं है ना, राघो से मांग, ना मम्मा से मांग, पापा से मांग, और राघो से पूछ कौन सी दुकान से लेके गया था। सारा बहुत कुछ सारा है यार। मैं अपने बालों में इतना एक्सपेरिमेंट क्यों करती हूँ यार, फिर पछताती हूँ, फिर लास्ट में टकली हो जाती हूँ। बीस रुपए का कौन कलर बेचता है यार, इतना कम, खत्म हो गया यार। हाय अगर कलर ही नहीं मिला, क्योंकि रात का टाइम है इस वक्त, अगर दुकान नहीं खुली हुई फिर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ ठीक है, ताकि लगे कि कलर हुआ है। प्लीज यार जो मैं चीजें करती हूँ वो आप अपनी रियल लाइफ में मत करना, बहुत पछताओगे। बाल ही बोलते होंगे बस करो, पर अपने बार हाल अपना पेट जैसा कर लिया है। चलो कलर ना भी मिला आगे वाले तो हो ही गए। लो जी ग्लव्स भी नहीं दिए, हाथ भी पूरे काले हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, आज मैंने बाजार में एक अंकल देखे, उनके इतने इतने बाल थे और उनका कलर बिल्कुल मेरे जैसा, और काफी बूढ़े थे। तो यार मुझे इतनी शर्म आई, मैंने सोचा यार ये मैंने क्या कलर कर दिया। कोई बात नहीं, अगर बाल मेरे बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाते हैं तो मैं टकली हो जाऊंगी, इसमें क्या, टकला होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रिस्टार्ट कर सकते हैं, तोला चेक करें। यार क्या रग रग में गुस्सा है यार ये कलर, यार इतना भी क्या कलर कर दिया मैंने भाई। इतने केमिकल्स बालों पे नहीं लगाने चाहिए एक साथ। मतलब परसों मैंने कलर किया था, मैं वापस कलर कर रही हूँ, बहुत गलत बात है। जो मैं चीजें करती हूँ वो आप अपनी रियल लाइफ में मत करें। हाय मैं मर जाऊँ, ये देखना हाथ, देखना सारे हाथ भर गए, कुछ मिला ही नहीं साथ, गुलाब शलब क्या करूँ मैं। हाय हाय तो वो कर लेती ना लड़की कुछ तो। कुछ क्या लफाफा लगाती, इस वक्त उसको मिलेंगे कलर क्या? 9 बज रहे हैं। हाय मम्मा मिल जाए यार, मैं आधे काले आधे लाल बाल में कितनी गंदी लगूंगी, फिर कल मैं नहीं जाती जाऊँ, कैंसिल। हाँ मेरे पे एक पड़ा हुआ स्ट्रीक्स अंदर। हाँ दो चार कलर और दो लगाती हूँ बालों पे, जिंगा लाला हूँ बन के जाती हूँ। चलो चेरी कोक कलर ट्राई करते हैं, और अच्छा लगेगा। लग गया, अच्छा आ गया मजा। वही आईब्रो में भी हो गया, थक गई यार मैं, थक चुकी हूँ। अरे ये तो सच में काला निकला, वैसे तो कितनी अच्छी है यार। हाँ बहुत अच्छी दी गई, आपने बस कदर नहीं की मेरी, मैं तो जस्ट किडिंग। ठीक है मेरे, रोज कुछ ना कुछ होते रहते हैं यहाँ पे। ईशु दीदी आपका दिमाग लगता है पूरा खराब हो चुका है। ठीक है जम्मू, ठीक है कोई नहीं, ऐसा सिला दिया तूने मेरे प्यार का है। वो सु मेरा ना खोपड़े में सड़ा पड़ा। अब सोच मैं सिर धो के और गंजी हो जाऊँ, हो जाओगी इस बार नहीं। सो जस्ट इमेजिन मैं बाल धो रही हूँ और बाल ऐसे निकले, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं टकली भी हो जाती हूँ, पर पूरी टकली ना हो जाऊँ यार, विग भी नहीं है मेरे पास, मंगवानी पड़ेगी। अगर आपको कलर करना है तो पहले विग भी मंगा लो एक दो तीन। वैसे पन्ना देवर से कभी इंस्पायर होकर कुछ ना करें, सोच अब चार लोग आपसे इंस्पायर होकर वो लाल कलर कर ले, है लड्डू पीले बन जाए उनके दांत भी, फिर वो कलर करने के बाद दांत बिल्कुल शेड मारते हैं लड्डू पीला कलर। नेचुरली मेरे दांत पीले हैं और वो कलर करने के बाद बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्शन छोड़ रहे थे लड्डू पीला कलर। मेरे भी हाथ ऐसे हो जाएंगे। चलो जी तीन पैकेट और ले आए, 20-20 रुपए के। वो 20 रुपए का हेयर कलर कर रही हूँ, शर्म होनी चाहिए। बाल वापस काले, कुछ और काले किए ठीक है। भाई बस मेरा मुंह क्यों काला हो गया भाई? दो उस बैग में डाल दे, मेरा मुंह काला हो गया। अभी काले हाथों से वैसे नहीं, कैसे लगाओ मेरे मुंह पे वैसे नहीं लगा, सफेद है क्या? थोड़ा थूक लगा के ना ऐसे ऐसे करना। नहीं मैं नहीं कर रही, थूक लगा के, थूक लगाऊंगी फिर आपके मुंह पे वही लगाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, चलता है। नहीं मेरे को नहीं चलता। गाइस पीछे फटी हुई दीवार इग्नोर करें। क्या करते हो ना वैसे आप, मतलब मैं तो ना कभी ये करूँ क्या, मतलब कलर लगाऊ फिर उसको दूसरा कलर लगाऊ मुंह पे वैसलीन मलू, मतलब इतना डिस्कम्फर्ट में तो नहीं सह सकते। बस जिंदगी में जो मुझे डिस्कम्फर्ट दिया ना उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे तो ये मजा है। आप बहुत कम्फर्ट में रहे हो ना अपनी जिंदगी में, इसलिए आपको पता नहीं है कि अनकम्फर्टेबल होना, पेन में होना क्या कैसा फील करता है। आप क्या बोल के कर रहे हो, है जिसे पता नहीं लग रहा है आप गला तो पूरा कला। शीशा नहीं है जैसे मेरे पास कला। हाँ यार बस में क्या बांदरी लग रही हूँ यार, बांदरी हो एक्सेप्ट बस में कितनी गंदी लग रही हूँ यार, वैसलीन मुंह पे लगा के और बालों पे ये कलर। भाई अभी जब धो के आऊंगी ना दीपिका पाडुकोण वो कौन है भाई, मैं अगर काली करके वॉल्टर मोट लगी वो नहीं, हैरी पॉटर में आता है वॉल्टर मोट जिसके इतने इतने बाल होते हैं। बस नहीं बस मैं वो करने लगी, मैं मरने लगी सुन बात। और मैं आपसे दीदी या तो बाल काले करो वॉल्टर मोट लगे या फिर मर जाओ। नहीं नहीं ट्रिम भी कर सकती हूँ, ट्रिम भी कर सकती हूँ बाल। नहीं नहीं मरने तो बेटर ऑप्शन ठीक है, अगर मैं मरती हूँ तो उसके पीछे उसु का हाथ है ठीक है। बोलना बहन सो भी आई एम वेरी डिप्रेशन में। अच्छा आप मेरे भी हाथ भी ऐसे काले कराओगे ना? तू मेरी बहन नहीं है, कुछ भी चीज हो तू मेरी बहन नहीं है, बस उस खाई में छलांग मारना तू मेरी बहन नहीं है, बस तू टट्टी खाना तू मेरी बहन नहीं है। ये तो आप लेजिट बोल भी चुके हो। कब बोला मैंने टट्टी खाने को तेरे को? मतलब ऐसी टाइप की चीजें बोल चुकी हूँ, टट्टी खाने को कभी नहीं बोला वसु तेरे को मैंने। कमाल करती है वसु, कसम से जो हाथों से कलर होता है ना। दीदी अब कर ही दिया ना तो मेरी बात सुनो, हाथों में से कलर लगाओ ना ऐसे पूरे बालों में अंदर अंदर जाके ऐसे पूरा ये वाले पीछे वाले भी कवर कर दो। अब अपने हाथ गंदे कर ही दिए फिर क्यों मेरे भी गंदे करवाओगे, कर दो खुद ही। हो रहा है ना वैसे भी
गाइस ये देखो क्या चल भाई, क्या टट्टी लग रही हो यार। मैं टट्टी हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ बता रही आईटी में। ये बहुत अच्छी दिखती है, चुप करके बैठा सही में। हाँ क्या शक्ल पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसका मतलब आपकी शक्ल पूरी थोड़ी चेंज होगी, वही फीचर है, वही रंग रूप है, वही सब चीज है। ठीक है बस यार, आज तूने भी सुना दिया मेरे को, अब पागल हो गया थोड़े से है। आप कभी ऐसे उल्टे काम ना करें, आप कभी उल्टे काम ना करें, बहुत पछताएंगे। मैं नहीं पछताती पर क्योंकि मैं वो ही एक फालतू औलाद, ना मजा ना स्वाद। ठीक है वसु, सही से हो रहा है? ओ एकदम जबरदस्त वसु, ताकि तेरे को तेरे हाथ काले ना करने पड़े इसलिए तू मेरे आगे झूठ बोलती है। नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है वसु कोई बात नहीं, मुझे पता तू क्या कर रही है। हो गया ना काले? हाय मेरा ब्रांड न्यू पजामा गंदा हो रहा है यार। ब्रांड न्यू है? बहुत पुराना है। हाय नाड़ा खोल। ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है तेरे व्लॉग में अभी जा। देखे गाइस मैं कितने पजामे डालती हूँ, ताकि अगर कोई पजामा एक खोल दे मेरा तो अंदर एक और पजामा हो। वेरी नाइस वसु, साड़ा पड़ रहा है आज, फिर से बहुत साड़ा पड़ रहा है, मैं भी टकली होने वाली हूँ। वसु वैसे रेड अच्छा तो लग रहा था। ये इनको अपने बाल तब पसंद आते हैं जब ये नेक्स्ट बालों पे मूव ऑन कर लेते हैं। नॉर्मल लड़कियां बिना एक नेक्स्ट बाल के, अपर्णा देवल बाल बदलती है बॉडी, अपर्णा देवल सब बदलती रहती है टाइम टू टाइम, अपर्णा देवल का सिस्टम है ना। चुड़ैल बन रही है? नहीं वो आप सिंपली भी लग सकते हो। हो गया? हाँ जब मैं नहा के आऊंगी ना फिर देखना, फिर देखा पूरी पूरी गंजी हो जाऊंगी। पीछे मलते चलो। जिंदगी बर्बाद हो गया। पीछे हो, पीछे हो। अरे 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 मुंह पे आ गया, मुंह पे आ गया, टिक्का लग गया। टिक्का काला टिक्का। एक काम कर मेरे मुंह पे भी काला कमल ही दे अब। चलो चुप करके ना रंग लगवाओ, बीच बीच में जो जगह रहती है ना वहाँ पे लगाने दो मेरे को। बस यार बीच में किसी को क्या ही पता चलेगा ना, बीच में किसी को क्या ही पता चलेगा ना। और सुबह मैं बहुत थक चुकी हूँ। इस साइड आओ, इस साइड आओ। बस 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 पूरा इसको अच्छे से मालिश करो। चलो जैसे तेल की मालिश करते अच्छे से मालिश करो, कोई बाल रहने नहीं चाहिए। चलिए मैं ठीक है, मेरे को छुट्टी दो आप, मेरे को माफी दे। गाइस मैं बहुत तबाह इंसान हूँ पता है। यार एक और आइडिया आया मेरे पास। एक और आइडिया, उसमें भी कपड़ा ही करना मैंने। यार रबड़ कहाँ से लाऊंगा? बस एक रबड़ तो दे जा। ऑल सेट, मेरे हाथ में अपने काले करी थी, रबड़ निकाल के दे दू। अच्छा मेरा ब्रांड का रबड़ दिखाना। गाइस मेरा ब्रांड मैंने नया लॉन्च किया है कोको, तो अगर आपको इसके रबड़ खरीद रहे हैं तो मुझे डीएम करें। कुछ लोग सीरीज भी ले लेंगे। हाय राजी ऐसे मत बोल यार, राजी पता राजी ने बोला कि पहले फिर भी ठीक लग रही थी। धोके ठीक लगे ना अभी तो। एक और आइडिया है मेरे पास। कौन आइडिया? आईब्रो। आईब्रो पे प्लीज। आप पागल हो? नहीं 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 नंदुशा लोगों के बहुत गंदे लगे, नहीं करना, नहीं करना। आईब्रो को नहीं करना, आईब्रो को नेचुरल कलर रहने दो, आईब्रो को नेचुरल कलर रहने दो, आईब्रो को नहीं करना। ये इसके अंदर ना बीच में धब्बे पड़ जाएंगे, जैसे आप बीच में धब्बे पड़ रहे हैं ना छोटे छोटे। करो यार फिर मैं ही बात मत सुनते ना, बाद में रोने नहीं। ठीक है जब इतना कर ली, जब इतना खर्चा हो गया मालिक तो एक चिप्स भी ले ही लेते। आपको नहीं शर्म आती भाई, आपको नहीं शर्म आती। वसु देखना पैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक दिन या फिर एक जन्म। ऐसे नॉर्मल लड़कियों को तो 30 मिनट लगते हैं, पर अगर अपर्णा देवल नाम की कोई लड़की इन कलर से बाल करेगी तो उसके बाल गंजे हो जाएंगे। अगर वो 5 सेकंड से ज्यादा भी ये कलर अपने बालों में रखेगी तो वो गंजी हो जाएगी। ये डन है, हमने अपने ब्रांड को इसी तरह से बना लिया है ताकि अपर्णा देवल जैसे बेवकूफ लोग हमारे ब्रांड को यूज करके अपनी वीडियो में मेंशन ना करें। थैंक यू। देखना आईब्रो के ऊपर क्या लिखा हुआ है अपर्णा देवल। हमें लग रहा है कि अपर्णा देवल अपने बालों पे भी इस रंग को लगा सकती है, तो अगर वो लगाती है तो आईब्रो के बाल सबसे पहले निकलेंगे, तो एक भी आईब्रो का बाल नहीं बचेगा उसके आईब्रोस पे, और फिर हमें बहुत मजा आएगा। कितने तेज हो रहे गार्नियर वाले, गार्नियर वालों प्रमोशन दो मेरे को। चलो जी अब मैं बनूंगी यक्कू। साकी साकी रे उग जा वसु, उग जा वसु, उग जा वसु, उग जा, उग जा, उग जा वसु, उग जा वसु, उग गई। देखा I'm done with this girl। यार मैं क्या करूं, यार क्या करूं, क्या मैं क्या करूं? देखो पैसे वाली जगह खाली है, पैसे वाली जगह कलर नहीं आया। यार पागल हो गई हूं पता सही में। तो वसु डॉगीज को महीने में एक बार फीड करने जाती है। इसको ढेर सारा खाना डाल रही है, कल जा रही है अगर, पर तू तो दिल्ली जा रही है। अच्छा पूरे दिल्ली का 3-4 महीने का स्टॉक डाल के जाएगी। नहीं यार नहीं, अरे मैं भी चलता हूँ, चलो बस चलो मैं आगे आगे जाता हूँ। आप क्या ऊपर से जाएगी? अरे हाय राम शिट यार।
आए, मैंने क्या सोचा था दीदी, हैं तुम कुछ नहीं हो सकता आप यार। ये देखो ये आए, वो इशू तेरे हाथ से तो नहीं साफ हुआ। तू तो नहीं बचती अब। क्यों नहीं बचती भाई? दिखा ना, थोड़ी थोड़ी रेड शाइन आ रही है अभी भी। कर कसम, कसम से मुझे कैमरा में नहीं दिख रहा। हाँ? थोड़ी थोड़ी रेड शाइन आ रही है, मुझे दिख रही है। अरे इशू ये कैसे शैम्पू यूज करती है तू? मग्गे में डाइल्यूट करके किया करना। इतना ज्यादा? ये क्या है, कंडीशनर है? वो इतना ज्यादा थोड़ी लगाते हैं, तू रूट्स में क्यों लगाया? अच्छा रूट्स में नहीं लगाते, मैं तो रूट्स में सारा कुछ लगाती हूँ। नहीं रूट्स में कंडीशनर नहीं लगाते, उससे हेयर फॉल होता है। क्या जिंदगी होगी यार, नहीं ना करना था एक्सपेरिमेंट इतना। इसको इससे साफ करना, रिन रिन शिन से साफ कर। पागल है, पहले रिन शिन लगा तो। क्या लगाऊं? वो लगाना, वो जो वॉशिंग पाउडर वाला है, ये लगा। अरे ये नहीं मिटेगा, है तू ऐसे जाएगी। हाथ से कौन करता है? तो किससे करूं, पिछवाड़े से? ग्लव्स लगाते हैं ना। ग्लव्स भी ना थे यार। चल नेल पेंट रिमूवर से ट्राई कर लेना एक बार। राजू मेरा क्या बनेगा? हलवा। अरे मैंने तो आईब्रो भी लगाया है। इससे लग से कूदो ना। संजय हां हां हां, भलाई बॉय से दो दिखाना। इधर मुड़, नहीं कैमरे की तरफ मुड़ ना, मुंह धोके मुड़ूंगी। दिखा नहीं, ये देखो ये मेरी ब्यूटी का राज है लाइव बॉय। आप कहते हैं करना, आप क्या लगाती है? ड्यूट मारती है, इधर नीचे इधर रखी हुई है। भाई गॉड, मेरे को जो मिलता है मैं लगा देती हूँ। मगर कहाँ है? मैं तेरे मुंह के आगे बढ़ा। और आगे, और आगे। थोड़े लेफ्ट में। मुंह से वो नहीं मिट रहा। मुंह साफ ही लग रहा है। क्या नहीं मिट रहा? वैसलीन। वैसलीन। चल अब मैं ट्रांजिशन करूंगी, ठीक है? 3, 2, 1। तो ये है फाइनल कलर, देख सकते हैं आप। नेचुरली लग रहे हैं, पर थोड़े से ज्यादा काले हो चुके हैं, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मतलब 3-4 वॉश के बाद ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो हाँ, हाथों की क्या हालत कर दी तूने? मेहंदी लगाई है, कल शादी है ना मेरी। इसको वो कर, वो जो बंदा बता रहा था इनो और पता नहीं क्या डाल के शैम्पू डाल के साफ कर। बाय, गाड़ी में साथ में बैठेगी। ये लग रहा है पेट्रोल पंप में काम करती हूँ मैं, या फिर मैकेनिक की दुकान में। तो यार नाटक करती हूँ। तो यार मेरी नई जॉब लगी है आज। मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जहाँ से मैं पैसे कमा सकूँ परमानेंट। यूट्यूब से तो कभी आते हैं कभी आते नहीं है, क्योंकि कभी मैं व्लॉग डालती हूँ कभी डालती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने मैकेनिक की जॉब चूज की है, और आज मेरा पहला दिन था, देख सकते हो आप। हाँ बहुत मेहनत की है, मतलब साफ ही नहीं हो रहे हाथ, पता नहीं इतने टायर रगड़े, इतने ग्रीस व्रीस हाथों में लग गई। जस्ट कडिंग। राघव मेरे बाल देखने आया। इधर मुड़ो ना, अच्छे लग रहे वैसे। वाह कितना बदतमीज है राघव तू, बहुत गंदे लग रहे हो। ये फिर भी अच्छे लग रहे हैं उससे, बट फनी है। फनी है, अब क्या करूं? नहीं अच्छे हैं। क्या भाई, दूर से नहीं पता लग रहा। सोच रहे आपको भी दिखाई दूं। जिंगल राघव कहता मैं बालू लग रही हूँ। भाई मैं कुछ भी कर यार, उसकी याद आ गई मुझे। मैं हंसी नहीं लगूंगी, मैं कुछ भी कर, कोई बात नहीं यार, ठीक है अगली बार से नहीं करूंगी। हर बार यही बोलती हूँ। तो अगर मैं थोड़ा अगर सोबर से कपड़े पहनती हूँ ना, तो उसके साथ थोड़ा वीडियो में नहीं पता चल रहा रियलिटी में ज्यादा लग रहे। वही बोल रही हूँ ना, रियलिटी में ज्यादा लग रहा। घर में टेबल नहीं बुला रहे बनेंगे। ये तो मैं रखू थोड़ी नीचे है, ये तो मैं रखू। चल अब मैं ट्रांजिशन करूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। 3, 2, 1 देखना। भाई दो ब्लॉग तो दो ब्लॉग कंटिन्यूसली बालों के ही बन गए। पहले पहले काले से लाल, फिर लाल से काले।